स्वागत है दोस्तों आप सभी को टेकराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने Redmi नोट 5 प्रो या फिर किसी भी Redmi के फ़ोन पे आप बैटरी सेवर मोड को इनेबल और डिसेबल कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो पे मैं आपको सेटिंग करके बताने वाला हूँ। तो दोस्तों यदि आपको अभी तक पता नहीं है कि यहाँ पे जाके दोस्तों आपको बैटरी सेवर मोड को इनेबल और डिसेबल करने को सेटिंग दोस्तों यहाँ पे मिलेगा, तो आप इसी वीडियो को जो है शुरू से लेके अंत तक यहाँ पे देख लीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने हमारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और यदि आप ऑनलाइन से पैसा कमाना चाहते हैं तो आप हमारा वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आइए वीडियो को बिना देर किए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको जाना होगा आपके सेटिंग पर, ठीक है। सेटिंग पर जाइए, उसके बाद दोस्तों आपको नीचे आ जाना है। नीचे आपको मिलेगा बैटरी एंड परफॉर्मेंस, तो यहाँ पर जाके दोस्तों आप इनेबल कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि दोस्तों आप पूरा यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट पेज में देख सकते हैं बैटरी सेवर, ठीक है। तो आप यहां से बैटरी सेवर मोड को इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। तो आप यहीं पर यदि आपका बैटरी सेवर दोस्तों यहां पर आप इनेबल करना चाहते हैं तो यहां पर आके आप इनेबल कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं बैटरी यहां पर दोस्तों आपका इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है, यूजेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं बिना बैटरी सेवर मोड के ये 21 आवर्स चलेगा। बैटरी सेवर मोड से दोस्तों यहाँ पर 32 आवर्स अभी रिमेनिंग है, ठीक है। तो आप इसी तरह से बैटरी सेवर मोड यहाँ पर इनेबल करके यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यदि आपको ना मिले यहाँ पर सेटिंग तो आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा, ठीक है। तो एडिट में क्लिक करके भी दोस्तों आपको बैटरी सेवर मोड यहाँ पर नीचे मिल जाता है, ठीक है। यदि आपको यहाँ पर मिलते हैं तो आप इसको यहाँ पर सेट कर सकते हैं। यदि ना मिलते तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको सिंपली फ़ोन जाके अपडेट कर लेना, ठीक है। यदि आपको बैटरी सेवर मोड यहाँ पे इनेबल करके नहीं मिलता है तो आप सिंपली बैटरी सेवर मोड पाने के लिए अबाउट फ़ोन पे जाके आप सिंपली अपडेट कर लीजिए अपने फ़ोन को। अपडेट करने के बाद दोस्तों आपको बैटरी सेवर मोड यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसी तरह से दोस्तों आप यहाँ पर बैटरी सेवर मोड को इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको जो है वीडियो पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।